हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की यानी कि उत्तराखंड टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसे देखेंगे। यानी कि उत्तराखंड टेट में हमने अपने EVS सेक्शन को शुरू कर दिया था। EVS सेक्शन में हम क्या देख रहे थे, 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए थे और तीसरे चैप्टर के बाद आज हमें कहना है 4th चैप्टर जानना है और 4th चैप्टर से आपके कहीं ना कहीं आपको चीज़ें यानी कि जो पुस्तकालय जो आपके EVS की जो पुस्तकें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें जानना है कि EVS आप यूज़ क्यों पढ़ रहे हो, EVS आपके बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो और कहीं ना कहीं EVS का रोल क्या है एक छोटे बच्चे के जीवन में। यानी कि कक्षा 3 से कक्षा 5 तक हमें EVS पढ़ना है और EVS के जो विद्यार्थी है उनमें किस तरह से पर्यावरण के प्रति जागरूकता लानी है, उसकी रुचि लानी है, उसे कल्पनाशील बनाना है, तो ये सब चीज़ें आपको जानना होगा। तो आज का चैप्टर है EVS की व्यापकता। तो EVS की व्यापकता यानी कि पर्यावरण शिक्षण की व्यापकता के बारे में जानना है और पर्यावरण शिक्षण के व्यापकता के बारे में छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो पर्यावरण है यानी पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में क्या करना है, एक तरह से आपको जिज्ञासा पैदा करनी है। और जिज्ञासा पैदा कैसे होगी, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जो ऑडियो विजुअल ऐड हैं और जो हम कहीं ना कहीं उसे देखिए, SST में और EVS में आपको क्षेत्रीय भ्रमण की बात आती है। तो क्षेत्रीय भ्रमण जब आप करोगे और कहीं ना कहीं जब पर्यावरण के प्रति उनका जागरूकता पैदा करोगे, रुचि पैदा करोगे, उन्हें कल्पनाशील बनाओगे और कहीं ना कहीं उसके द्वारा उनका क्या करोगे, विकास करोगे, तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा और वो क्या करेंगे, पर्यावरण में इंटरेस्ट लेंगे और कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे। फिर आता है पर्यावरण यानी कि पर्यावरण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कैसे करोगे, उन्हें कहोगे कि पेड़ लगाइए, आप अपने क्या है अपने यानी कि जो बच्चा है जो यानी कि EVS पढ़ रहा है उसे क्या कहेंगे, पेड़ लगाने के लिए कहेंगे। उसे क्या कहेंगे कि क्या जब आप क्या है अपने मम्मी पापा के साथ सब्जी लेने जाएं या फिर इस तरह की चीज़ें लेने जाएं, बाजार जाएं, तो क्या है पॉलीथीन बैग की जगह आप क्या है कपड़े के थैले का प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं वो क्या है उसमें भागीदारी करेगा। यानी कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए भागीदारी इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके CTET में भी आ चुका है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आपका आ जाता है आसपास के पर्यावरण में विद्यार्थियों को परिचित कराना। जैसे कि आप क्या है अपने स्कूल के गार्डन में बच्चों को ले जाएं, यहाँ पर उन्हें पेड़ों के बारे में सचेत करें, उन्हें कहीं ना कहीं किस तरह से पेड़ उगता है उसके बारे में कहें, या फिर एक बच्चे को आपने ये देखा होगा कि CTET में क्वेश्चन आता है कि क्या करा जाए कि बच्चे को क्या करो कि आप कहो कि एक पौधा लो, उसे यानी कि एक बीज लो, उसे बो और उसको क्या है ऑब्जर्व करो जब तक वो पेड़ नहीं बन जाता यानी कि उसके पौधे निकल जाते, तो क्या है वो अपने आसपास के पर्यावरण को ऑब्जर्व करेगा और चीज़ों को जान पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। फिर आता है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों और भावनाओं का विकास करना और करना ताकि जिससे वह स्वस्थ यानी कि एक तरह से स्वस्थ जीवन और कहीं ना कहीं संपन्नता से तैयार किए जा सके। जब आप कहेंगे सामाजिक मूल्य और भावना विकसित कर दोगे बच्चे में समाज के लिए और कहीं ना कहीं EVS के यानी कि पर्यावरण के लिए, तो वो क्या करेगा पर्यावरण और समाज के प्रति जागरूक रहेगा और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को लेके चल पाएगा। फिर आता है पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी देना। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी कैसे दी जाएगी, जब वो कहीं ना कहीं आप उसे इस तरह की चीज़ों के लिए कहेंगे कि आप पॉलीथीन का यूज़ ना करें, पॉलीथीन को ना जलाएं, क्या है पानी को दूषित ना करें, तो ये कहीं ना कहीं जब वो इस तरह की पर्यावरण को दूषित करने की चीज़ नहीं और कहीं ना कहीं उसे संरक्षित करने की बात करेगा कि पानी का उपयोग क्या है आपको क्या है अनलेस यानी कि अनटिल एक तरह से उसे कहीं ना कहीं सीमित यूज़ करना है और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलना है। तो ये सब चीज़ें जब जानेगा तो वो पर्यावरण के लिए संरक्षित होगा और पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करेगा। फिर आता है विद्यार्थियों में एक ऐसा यानी अच्छे नागरिकों के गुण विकसित करना। अच्छे नागरिक वाला गुण आपका यानी कि इसमें से पूछा जाता है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण यानी पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको इसमें नहीं है चाटना है, तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है कक्षा के बाहर में परिवेश से जोड़ना और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरण करना। जैसे कि आपकी कोई भी कक्षा हो यानी कि कोई भी आपकी टीचिंग हो, अगर आपका बच्चा प्रश्न नहीं पूछ रहा है कक्षा में, तो कहीं ना कहीं आपकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। टीचिंग इफेक्टिव होने के लिए कहीं ना कहीं बच्चा अगर
कहीं ना कहीं अगर बच्चा क्या क्रिएसिव है, यानी कि एक तरह से क्रिएसिविटी हो रही है उसके अंदर, तभी वो प्रश्न पूछ पाएगा। और वो तब होगी जब आपकी क्या है टीचिंग इफेक्टिव होगी। टीचिंग इफेक्टिव होने का सबसे अच्छा रीज़न यही है, और आपको पता लगाने का कि आपका बच्चा आपसे प्रश्न पूछे। अगर आपका बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो हाँ, ये समझ लीजिए कि आपने जो पढ़ाया है वो उसमें कहीं ना कहीं उसके एक तरह से मन मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एक नंबर में। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।